मैं आपको दिखाऊंगा। एक मोटर है मेरे पास, आप देख सकते हो, 8.5 HP का मोटर है। तो इसको मैं सीरीज टेस्ट करूंगा, सीरीज लाइन पे टेस्ट करूंगा। तो मैंने इसको कनेक्शन कर दिया। एक कैपेसिटर है, एक येलो वाला कॉमन है स्टार्टिंग रनिंग, और एक कैपेसिटर लाइन है दोनों। तो पहले मैंने मोटर को स्टार्ट करता हूँ, देखिए क्या होता है। पहले देखिए, ये मैंने सीरीज लैंप पे दे दिया। मोटर देखिए रनिंग हो चुका है, थोड़ा धीरे धीरे रनिंग होगा। देखिए ये सीरीज बल्ब, जो सीरीज में जो बल्ब लगा है, ये किस तरह ऐसे हो रहे हैं। इसका प्रॉब्लम मेरे को भी पता नहीं है। मोटर पहले रनिंग हो जाएगा, पहले मोटर फुल स्पीड में रनिंग हो जाएगा, उसके बाद फिर से स्पीड छोड़ देगा, फिर से स्पीड पकड़ेगा। तो उस टाइम क्या होता है, ये बार बार रिपीट होता है, और लैंप उस टाइम रोशनी कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाता है। जब भी स्पीड पकड़ लेता है तो फिर से लैंप ऑन हो जाता है, ज़्यादा रोशनी देता है, और जब स्पीड अप हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है, तो स्पीड लैंप का भी लाइटिंग देखिए ऐसे ही होता है। अब और एक बार देख लीजिए, स्टार्ट हो चुका है। देखिए जब भी स्पीड पकड़ लेता है, और मोटर का स्पीड भी RPM अप डाउन होता है, लैंप का लाइट भी अप डाउन हो रही है, लेकिन इसमें मोटर तो एकदम फ्री है, देख सकते हो मोटर एकदम फ्री है। हो सकता है जब मोटर ने स्पीड पकड़ लेता है, उसके बाद जब इसका RPM 2800 RPM है, उससे ये मोटर फ्री है, उस RPM जब चला जाता है, तो उस टाइम क्या होता है, एक बार फ्री हो जाते हैं तो लाइट भी उस टाइम, वो जब फ्री और फ्री हो जाते हैं, लैंप भी उस टाइम रोशनी कम हो जाते हैं, और जब भी फिर से पकड़ लेता है, तो इस टाइप से बार बार होने से क्या होता है, लैंप भी वैसे रोशनी तेज और कम हो जाता रहता है। तो हो सकता है ही प्रॉब्लम है। आपके क्या प्रॉब्लम है, इसका रीज़न क्या होता है, प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए आपके राय। मेरा तो यही, मोटर तो सही है क्योंकि इसमें फ्री लोड पे घूम रहा है, इसमें कोई लोड नहीं है, इसलिए ऐसे हो रही है। जब RPM ज़्यादा हो रही है, फिर से RPM एक बार धीमा होकर फिर से पकड़ रहा है RPM, इसलिए यही प्रॉब्लम हो रही है। आपके राय क्या है, मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू फ्रेंड।